नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। शराब का बहार है, मौत का व्यापार है, नीति से कुमार है और ये अपना बिहार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर कह रही है। आप इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं विस्तार से। देखा आपने, इस तस्वीर में जहर है, इस तस्वीर में मौत का सामान है, इस तस्वीर में बोरियों से निकल रहा काल है। यह साधारण सा व्यक्ति जो दिख रहा है मजदूर की तरह, यह मजदूर नहीं, यह साधारण नहीं, यह यमराज है। यह मौत बांट रहा है बोरियों से पन्नियों में भर करके, जो निकल रहा है वो मौत का सामान, जहरीली शराब है जो जगह जगह जाएगी। आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग शायद मौजूद हैं, जो बैग थमा रहे हैं उन बैग में ये काल जो है मौत का सामान भर रहा है और उनको थमा रहा है। ये मौत का सामान जगह जगह जाएगा और लोग पिएंगे और मरेंगे, और जब मरेंगे तो अपने सूबे के सुशासन कुमार नीतीश कुमार फिर क्या कहेंगे आप तो जानते ही हैं। कहेंगे पियोगे तो मरोगे, और मरोगे तो मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, यही कहेंगे ना। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। तो मैं कहता हूं नीतीश जी कि इसको रोकिए ना, कब तक बढ़ता रहेगा ये मौत का सामान, कब तक होती रहेगी मौत की तस्करी, इसको कौन रोकेगा। आप लोगों के ऊपर तो ठिकरा फोड़ देते हैं कि पियोगे तो मरोगे, लेकिन जब तक ये तस्करी नहीं रुकेगा तब तक लोगों की मौत होती रहेगी। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको रोकने के लिए पाकिस्तान से कोई आएगा? इसको रोकने के लिए चाइना से कोई आएगा? या इसको रोकने के लिए बाइडेन आएंगे अमेरिका से? इसको रोकने की जिम्मेदारी आप ही की है ना। ये अंधेरे में खड़ा होकर के मौत का सामान जो बांटा जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, उस पर अंकुश लगाएगा कौन, बताइए ना। उसके ऊपर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसकी है नीतीश कुमार जी? आपको जनता ने चुना है अपनी हिफाजत के लिए, न कि मजाक उड़ाने के लिए उनकी मौत पर। यह मौत का सामान जो है कटिहार के बरारी में बांटा जा रहा है, इसकी तस्करी हो रही। पिछले दिनों आपने देखा होगा सारण में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और नीतीश कुमार जी उस समय धमकी दे रहे थे, कहिए सदन में खड़े होकर के कह रहे थे पियोगे तो मरोगे, और मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं, मैं तो प्रचार करूंगा जाकर के जगह जगह पर कि देखो शराब पिया तो मरा। तो नीतीश जी ठीक है, शराब पीना बहुत ही गलत है, लेकिन शराब आती है कहां से, शराब बिकती है कहां कैसे, और शराब की तस्करी को रोकेगा कौन, इसका जवाब कौन देगा। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मेरे दर्शक देशवा न्यूज के दर्शक सवाल करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप सुझाव देंगे, लेकिन अगर मैं सच बोलता हूं ना तो सरकार से भी सवाल करने की जिम्मेदारी और हक आपका है। आप सवाल कीजिए, आवाज उठाइए, नहीं तो बिहार में ऐसे ही मौत बढ़ती रहेगी और अपने सुशासन कुमार आपका माखौल उड़ाएंगे, आपके ऊपर ठिकरे फोड़ेंगे और कहेंगे पियोगे तो मरोगे। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ, तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में
अपना सुझाव देते रहिए। शराबबंदी कानून को लेकर के, बिहार सरकार को लेकर के, शराब तस्करी को लेकर के। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।